59 सीटें सबको मिलाकर एक एवरेज औसत निकाले हैं तो 59 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल के हम अनुसार हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, और एक जो जनभावनाएं हैं लोगों के मुंह से जो निकल के आ रहा है कि कांग्रेस की लहर है अब की बार, उससे भी वो एग्जिट पोल में भी आ गया है। लेकिन एग्जिट पोल ने तो क्लियर कर दिया कि कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बहुमत की ओर बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा के जो चुनाव हैं उनका जो परिणाम है वो कल यानी कि 8 अक्टूबर को आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी जो है वो हरियाणा की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन उससे पहले जैसे कि सभी चैनल्स ने अपना अपना एग्जिट पोल दिखाया, अर्थ प्रकाश ने भी अपना एक एग्जिट पोल आप लोगों को दिखाया। आज हम बात करते हैं कि वो एग्जिट पोल जो है उसके अनुसार ऐसी कौन कौन सी सीटें हरियाणा में जिन पर जो है जो मार्जिन है, जो जिसको कहेंगे कि एक फर्क है, वो ज्यादा मार्जिन का फर्क हो सकता है, सीटों की जो जीत है उसमें जो वोटों का एक मार्जिन है उसका एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हरियाणा में किन किन सीटों पर एक बड़े मार्जिन से हार और जीत का फैसला हो सकता है। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेंद्र जी, नमस्कार। मेरा साहब, क्या लगता है कि कितनी सीटें ऐसी हो सकती हैं हरियाणा में जिस जगह पर एक जो हार और जीत का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो सकता है? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि एग्जिट पोल जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो अलग अलग तरह की जो लोग इसके बारे में एग्जिट पोल करते हैं उनके द्वारा एक एग्जिट पोल कल आया है, और उस एग्जिट पोल में सभी जितनी एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं, अखबार हैं, सभी ने कांग्रेस की सरकार आते हुए दिखाई दी जी दिखाया है, और भारी बहुमत से मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा है उनके जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है उनके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इंडिया टुडे एक्सिस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने 21 सीटें उन्होंने हरियाणा में दिखाई हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस की सीटें 59 दिखाई हैं जी। तो अगर रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो 18 से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई, और 55 से 62 सीटें कांग्रेस पार्टी की दिखाई हैं, अन्य की 2 से 5 दिखाई उन्होंने। तो इसी तरह से ध्रुव रिसर्च एजेंसी है उन्होंने दिखाई है 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई हैं और 57 सीटें कांग्रेस पार्टी की दिखाई। जी जी जी। तो पीपुल्स प्लस की रिपोर्ट से उसकी जो एग्जिट पोल है 20 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई हैं और 49 से 61 सीटें कांग्रेस पार्टी की दिखाई हैं, और मनी कंट्रोल है 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई है, 58 सीटें कांग्रेस की दिखाई है जी। इसमें एक पोल्स का अगर हम देखें तो 59 सीटें सबको मिलाकर एक एवरेज औसत निकाले हैं तो 59 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है, वहीं ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई जी। ऐसे में निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत आ रहा है, और जहाँ कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत आएगा तब उसके जो ज्यादा अंतर के जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी से आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जितने भी एग्जिट पोल अब तक चाहे वो चैनल्स ने दिखाए या एजेंसीज ने दिखाए, ज्यादातर जो एग्जिट पोल ज्यादातर क्या लगभग सभी जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस की फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत जो है कांग्रेस को हरियाणा में मिलता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अगर एग्जिट पोल के हम अनुसार हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, और एक जो जनभावनाएं हैं लोगों के मुंह से जो निकल के आ रहा है कि कांग्रेस की लहर है अब की बार, उससे भी वो एग्जिट पोल में भी आ गया है। लेकिन एग्जिट पोल ने तो क्लियर कर दिया कि कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बहुमत की ओर बढ़ रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक बार ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ऐसे जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, उनके बारे में जरूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो हार जीत का जो मार्जिन है बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, आज हम एग्जिट पोल के नतीजों के साथ साथ हमने बात करेंगे, जैसे आपने कहा तो सबसे ज्यादा जो भारी वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं और किन पार्टियों से हो सकते हैं, ये तो तय है कि मैक्सिमम उम्मीदवार
कांग्रेस पार्टी से। जी बिल्कुल। सबसे भारी जो मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों की हम बात करते हैं, हमने कुछ सर्वे किया है, धरातल पर बात की है और एक लंबा लोहा आप जो कह सकते हैं वो निकल के आया है कि एक दर्जन से भी अधिक कैंडिडेट ऐसे हैं जो सबसे भारी मतों से जीत के आ सकते हैं, और उसमें कम से कम 10-11 जो कैंडिडेट होंगे वो कांग्रेस पार्टी से होंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी किलोई की सीट है, जहाँ से उनके साथ उनके मंजू हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अहम सीट है हरियाणा की, पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ये तो जी पार्टी तय करेगी, उनकी पार्टी तय करेगी। मतलब मैंने कहा हो सकते हैं, मैंने तो ये सिर्फ एक क्यास लगाने की बात है। जी बिल्कुल, मजबूत दावेदार हैं जी, हो सकता है जी। और उसकी अगर वहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन की बात करें तो मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अच्छे मार्जिन से मंजू हुड्डा से जीत दर्ज कर सकते हैं जी। जैसे वोट परसेंटेज के मतदान जितना प्रतिशत हुआ उसकी बात करें तो हालांकि जो 2019 में बहुत जो मतदान हुआ था उससे कहीं ना कहीं किलोई में कम मतदान का जो प्रतिशत है वो आया है। 2019 में 72.36% मतदान हुआ था, अब की बार कुछ मतदान में वहाँ पे कमी आई, 61.02% मतदान हुआ, मतदान में कमी आना ये हालांकि जो भारी जो मतों से जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसको कहीं ना कहीं उसके उसमें वो डेंट करता है, लेकिन नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा के कहीं कम पड़ेंगे या सबसे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वोटों से वहाँ से गढ़ी किलोई से जीत कर विधानसभा में आएंगे जी। दूसरी ओर बात करते हैं वहीं पे झज्जर जिले की बेरी सीट है, रघुवीर कादियान है, कई समीकरणों पे हमने बात की, कई स्थिति से देखा है कि उन रघुवीर कादियान बेरी से हैं, जो उनका भी वोट एक ग्रामीण बाउल एरिया हो वोट प्रतिशत हालांकि कम रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छे मतों से उनकी जीत दर्ज हो सकती है, वो जीतने वाले उम्मीदवारों में सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले एक दर्जन उम्मीदवारों में शामिल हो सकते हैं जी। दूसरी तीसरे बात करते आगे बात करते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट एक जाना माना नाम, चर्चित नाम है, वर्ल्ड फेमस नाम विनेश फोगाट का हो चुका है, खेलों के खेल के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में एक लोकप्रियता उन्होंने जो पाई है, और ओलंपिक में जो जो मेडल से जो वंचित रही हैं वहाँ से वंचित रहने के बाद लोगों ने उनको बड़ा मान सम्मान दिया, उस मान सम्मान को देखते हुए विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, और जुलाना में उनका वोट पर जुलाना में वोट प्रतिशत भी बढ़ा पहले से जी। जुलाना स्वाभाविक रूप से जुलाना एक छोटा कस्बा है लेकिन ग्रामीण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र माना जाता है जी। 74.66% मतदान जुलाना में हुआ है, भारी मतदान कह सकते हैं उसको, और 72.78% जो है 2019 में हुआ था, अब की बार मतदान में ज्यादा इजाफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के फेवर में जा सकता है, जा सकता है जी। उसके बाद गीता भुक्कल की बात करते हैं हम। गीता भुक्कल जो झज्जर से चुनाव भारतीय सॉरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, और उनके जो मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के हैं कप्तान बिरधाना, तो झज्जर से भी गीता भुक्कल एक अच्छी जिताऊ कैंडिडेट हैं, और कहीं ना कहीं मार्जिन उनका एक दर्जन कैंडिडेट बड़ा मार्जिन हो सकता है जी। तो आगे बात करते हैं होडल की। होडल में उदयवान जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले भी 4 बार वो विधायक रहे हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे हरियाणा में प्रचार किया है, और अपने क्षेत्र से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट थे कि अच्छी जीत उनकी हो सकती है जी, और अच्छी जीत होगी भी बिल्कुल ठीक। उनके मुकाबले में हरेंद्र सिंह रामरत्न है जी, वो पूर्व विधायक के बेटे हैं, उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसमें उनका जो वोट प्रतिशत है बहुत एक अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ा है इस बार, हार जीत का एक बड़ा फासला हो सकता है इनके बीच में भी, वोट प्रतिशत का बढ़ना ज्यादा, इतना ज्यादा बढ़ना पहले 2019 की बजाय कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत उदयवान जो होटल से जीत दर्ज कर सकते हैं। 72.02% जो होटल में मतदान अब की बार हुआ है वो
वो एक अच्छा मतदान उनको उसको कह सकते हैं। और 2019 में 68.33 प्रतिशत मतदान वहाँ पे होटल में हुआ था, मतलब एक बड़ा फर्क पड़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है पहले से, वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो निश्चित रूप से उसको उनको वो कहीं ना कहीं उदय भगवान के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आगे बात करते हैं, पूजा चौधरी हैं, पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव लड़ रही हैं। पूजा चौधरी जो वर्तमान सांसद हैं अंबाला से, वरुण चौधरी वाइफ हैं, सांसद हैं, धर्मपत्नी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जो मत प्रतिशत तकरीबन पहले की 2019 में जो मत प्रतिशत था, वरुण जो 2019 में एमएलए बने थे वहाँ से चुनाव लड़ा था, और अब की बार उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर सकती हैं। और एक जो टॉप जिसको कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्जिन से 100 जो एक दर्जन सीटें 12 सीटें उनमें उनका नाम शुमार हो सकता है जी। तो आगे हम बात करते हैं आरती राव की। आरती राव अटेली से चुनाव लड़ रही हैं। आरती राव का अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है। आरती राव के मुकाबले में अनीता यादव जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी वो हैं, तो वहाँ भी जो एक मत प्रतिशत है जो पहले से बहुत अच्छी मात्रा में अच्छा प्रतिशत बढ़ा है। 2019 की हम बात करते हैं, 64.74 प्रतिशत जो मतदान हुआ है वो, और अब की बार 70.58 प्रतिशत वहाँ मतदान चला गया जी। ये कहीं ना कहीं सारे समीकरण अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का तिकोना मुकाबला जो अतरलाल ने बनाया हुआ था, और आरती राव एक रविंद्रजीत की बेटी हैं जी, जी, जी में एक रविंद्रजीत का नाम है शुरू पहले से ही रहा है, एक क्षेत्र नेता इरवाल के रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उनके जो फादर की लेगेसी है, उनके जो ग्रैंड फादर की लेगेसी, उनका फायदा उनको मिला, डेफिनेटली मिल सकता है। और इस समय ये सांसद भी है वहाँ से, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, कहीं कहीं अच्छे मार्जिन से ये इनका जी जी जीत दर्ज हो सकती है जी। और उसके बाद अब परमवीर हैं टोहाना से, टोहाना से कांग्रेस के उम्मीदवार परमवीर राव हरपाल के बेटे हैं, जो उनके पिता कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कई बार टोहाना से चुनाव जीतते हैं, विधायक बने, फिर सरकार में मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद परमवीर ने भी चुनाव लड़ा है, परमवीर एमएलए रहे, मंत्री है, कृषि मंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, तो अब की बार कांग्रेस के उम्मीदवार फिर थे, फिर से बनाया कांग्रेस ने उनको, और उनके मुकाबले में देवेंद्र बबली हैं। देवेंद्र बबली जननायक जनता पार्टी में 2019 में विधायक बन के आए थे, और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक महीना पहले जेजेपी से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से टोहाना से उम्मीदवार बनाया जी। तो हालांकि वहां पे मत प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट हमें मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो परमवीर हैं वो कहीं कहीं अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि दो तरह से उनका विरोध है। देवेंद्र बबली है जो भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का विरोध, और एक उनकी जननायक जनता पार्टी के जो रूप में जो गठबंधन हुआ था, उसका कहीं ना कहीं विरोध है, और कहीं के पंचायत मंत्री थे वो, पंचायत मंत्री जो जो इनके खिलाफ, एक देवेंद्र बबली के खिलाफ वहाँ के सरपंचों ने सबसे पहले वहाँ पे जो सरपंचों ने आंदोलन किया था वो टोहाना क्षेत्र में किया था, उनका भी कहीं ना कहीं इसको नुकसान हो सकता है। और मुझे लगता है परमवीर सबसे ज़्यादा टोहाना में जो देवेंद्र बबली उससे कहीं अच्छा मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आदित्य चौधरी की बात करते हैं, आदित्य चौधरी रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। रणदीप सुरजेवाला वहाँ से विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, और कैथल के नव निर्माण में रणदीप सुरजेवाला का एक नाम है बिल्कुल। और वहाँ के लोगों ने माना भी है जी कि कैथल को एक अच्छे शहर का मॉडल शहर का अगर दर्जा देने में किसी का हाथ रहा है तो वो रणदीप सुरजेवाला का रहा जी। इसका फायदा, हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसको उसका फायदा है कहीं ना कहीं लोगों ने अब माना है, लोगों के दिमाग में है कि पिछली बार हराना ठीक नहीं था, लेकिन अब की बार वो रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं उसके समर्थन में उन्होंने अच्छा मतदान किया है, और अब की बार मुझे लगता है आदित्य चौधरी जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हम बात कर रहे हैं जैसे अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं। उधर एक उकलाना की सीट है जो आरक्षित सीट है, नरेश सेलवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दूसरी ओर अनूप धानक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और तीसरे जो नरेंद्र उकलाना है वो
मुझे लगता शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनएलडी और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं जी। तो तीनों उम्मीदवार ये मैदान में, उम्मीदवार तो और भी हैं लेकिन तीनों का ज़्यादा जो वोट गेन करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ये तीनों हैं। तो इसमें अनूप धानक हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनूप धानक के साथ वही स्थिति है जो टोना में देवेंद्र बबली के साथ है, वो भी जेजेपी छोड़ के, जेजेपी के विधायक 2019 में बने थे और वो जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक दिन पहले उम्मीदवार, एक दिन जस्ट एक दिन के बाद ही उम्मीदवार घोषित किया। तो इस तरह से नरेश सहरवाल पहले भी बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे जी 2019 में और अच्छे वोट उन्होंने प्राप्त किए थे। तो अब की बार ऐसा लगता है मुझे नरेश सहरवाल है जो कुलाना से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्जिन से उनकी जीत हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एक दर्जन सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार उनमें नरेश जो सहरवाल है उनका नाम शामिल हो सकता है जी। पेवा सीट है, पेवा में पहले संदीप सिंह होते थे, अब की बार जो मंत्री भी रहे हैं पीछे, खेल मंत्री रहे, तो अब की बार मनदीप सिंह हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर जय भगवान शर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। जय भगवान शर्मा को पहले जो जिनको टिकट दिया गया था उन्होंने टिकट छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी का और अभी बाद में फिर जय भगवान शर्मा को टिकट उन्होंने वहाँ से दिया। जय भगवान शर्मा भारी उम्मीदवार हैं और एक लोग भी कहते हैं कि जय भगवान शर्मा वहाँ के भारी उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है वहाँ पर मनदीप सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं बाजी मारने क्या, सबसे जो 12 सीटें हमने बात की है उनमें कहीं कहीं ज्यादा ज्यादा मार्जिन बड़े मार्जिन से मतलब जीत कर वो दर्ज करा सकते हैं, टॉप 12 में कहीं कहीं शामिल उनका नाम हो सकता है। इस प्रकार से हमने लगभग एक दर्जन सीटों की हमने बात की, एक दर्जन सीटों में ज्यादातर सीटों पर जो ज्यादा मार्जिन जिसका हो सकता है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का हो सकता है। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की, एक बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस शायद मेवा सिंह जी हैं कांग्रेस से, तो किस तरह के समीकरण बनते वहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए नायब सिंह सैनी के बारे में कई तरह की लोगों में कुछ असमंजस की स्थिति है वहाँ पे। नायब सिंह सैनी पहले किसी और नारायणगढ़ से चुनाव लड़ते रहे हैं वो और बाद में वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, एमपी बने, उसके बाद एमपी बनने के बाद प्रेसिडेंट बने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने और उसके बाद उनकी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाकर जब वो चुनाव लड़े तो वहाँ से करनाल से चुनाव लड़े, अब करनाल उन्होंने छोड़ दिया, नारायणगढ़ भी छोड़ दिया। अब लोगों के दिमाग में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कहता है आज फिर ये क्या नाम लाडवा से चुनाव लड़ने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का जुटाने में बहुत कम कामयाबी उनको मिली है और उन्हें दिक्कत हो सकती है, बहुत कांटे की टक्कर है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। मार्जिन तो ज़्यादा मार्जिन, जीत का मार्जिन तो आने वाला मुझे लगता है दूर की कौड़ी साबित हो सकती है, लेकिन हार जीत पे ही लोग वहाँ पे शर्त लगाए जा रहे हैं जी जी जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि हालांकि चुनाव जीत सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो टॉप 12 में आएंगे। ठीक है जी। तो सो दोस्तों आपको बताया कि 12 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 12 ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक बड़ा मार्जिन जो है, फर्क जो है जीत और हार का, एक बड़ी मार्जिन का फर्क हो सकता है। बाकी तो जो भी रिजल्ट आने हैं कल 8 अक्टूबर आपके सामने स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि कौन बाजी मारता है और कौन हारता है। सो दोस्तों आप चुनाव की अपडेट देखने के लिए, जो भी हमारे परिणाम आ रहे हैं उसकी अपडेट देखने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।